इंद्री के आर्यवत सद्भावना मंच कलरे जागीर की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम सुमित सिहाग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 20 प्रशिक्षित महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि आर्यवत सद्भावना मंच की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। महिला सशक्तिकरण की ओर यह एक सकारात्मक कदम है। इससे महिलाएं स्वावलंबी बनकर अपना परिवार चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। अब तो महिलाओं को सेना में भी कमीशन रैंक देने का कानून भी पास हो गया है, जिससे सेना में काम कर रही महिलाओं के स्वाभिमान को बढ़ावा मिलेगा। मंच के सदस्य भारतीय कोषाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि आर्यवत सद्भावना मंच की ओर से सामाजिक भलाई के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, अचार मुरब्बा बनवाना और दूध दही से विभिन्न व्यंजन बनाने जैसे कई प्रशिक्षण शिविर में चलाए जा रहे हैं। करनाल एनडीआरआई से इन सब को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को जैविक खेती व औषधि खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो रासायनिक खादों को छोड़ सके और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। इंद्र से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारी संस्था बहुत काम कर रही है, जैसे सिलाई सेंटर, आगे आने वाला ब्यूटी सेंटर और जो त्यौहार है हमारे समाज त्यौहारों को बोलते जा रहा है और उनको वे त्यौहार पुराने त्यौहार हैं वो याद कराने और अच्छे तरीके से त्यौहार मनाने और जैसे बाहर गांव से कुछ लोग बाहर भेजने, जैसे कि जैविक खेती और जैसे एनडीआरआई में स्कीम में जैसे सामान बनाना, मुरब्बा बनाना, अचार बनाना, ऐसे कई प्रकार की जो पदार्थ हमें बनाने और आने वाले टाइम में भी हमारी संस्था बहुत काम कर रही है। हाँ जी, आगे हमारा जो इस कार्यक्रम के बाद हमारा ब्यूटी सेंटर का लक्ष्य है और कुछ ही दिनों में हम उसका शुभारंभ करेंगे। इस संस्था के तहत हम महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों को अपना रोजगार अच्छा बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं, जिसके तहत हम एनडीआरआई से ट्रेनिंग दिलवाएंगे महिलाओं को। उसमें अचार, मुरब्बे, दूध और दही से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट महिलाओं को बनाने सिखाए जाएंगे और किसानों को जैविक खेती के बारे में भी हमने ट्रेनिंग दिलवाने का एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जैविक खेती के बारे में किसानों को बताया जाएगा, जिससे वह अपनी जो उनकी आय होगी उसको वो बढ़ा सकेंगे और अपना जीवन अच्छे से चला सकेंगे। और एक हमने अभी पिछले महीने औषधि खेती के लिए हमने किसानों को ट्रेनिंग पे भेजा था लखनऊ। वहाँ से हमारे किसान बहुत अच्छे से बहुत सब कुछ सीख कर आए हैं, जिससे वह अपना अब जो आगे कार्यक्रम होगा, जो हमारी खेती होगी औषधि खेती, उसको शुरू करेंगे और वह ट्रेनिंग यहाँ हम अपने गांव के किसानों को भी दिलवाएंगे, जिससे उनकी आय और ज़्यादा बढ़ सकेगी। महिलाएं सशक्तिकरण के लिए अभी हमारी आर्यवत सद्भावना मंच ने एक ट्रेनिंग कोर्स सिलाई सेंटर, जिसको हमने नाम दिया था, वो शुरू किया था और अब हम आगे भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसके तहत हम एक नया ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें भी महिलाओं को रोजगार दिलवाने के और भी बहुत सारे हमने कार्य शुरू किए हुए हैं। त्योहारों को कैसे मनाया जाता है, हमने अपने गांव में ये भी एक नया कार्य शुरू किया है, क्योंकि सभी समाज में क्या हो गया है कि सब अपने परिवार तक ही सीमित रह गए हैं, दूसरे का किसी को नहीं पता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा समाज पहले मिलजुल कर रहता था, आगे भी ऐसे ही मिलजुल कर सब साथ रहें और जो प्यार पहले था हमारे समाज के अंदर, जो महिलाओं का सम्मान था, वो दोबारा फिर से मिले और हमारी महिलाएं स्वावलंबी बन सके। धन्यवाद। वो कितने क्षेत्रों में काम कर रही है, ये सिलाई का जो ट्रेनिंग कोर्स किया गया है ये तो उनमें से सिर्फ एक है। आप स्वास्थ्य के और किसानों के लिए भी और महिलाओं के लिए और भी जो खुद से रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपने आय के स्रोत जनरेट करने के लिए क्या क्या आपको जो है ये संस्था योगदान कर रही है उस क्षेत्र में, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। देखिए, स्त्री सशक्तिकरण के बारे में
आप सभी जानते हैं स्त्री शक्ति के बारे में, और हम धीरे धीरे इस हमारी सोसाइटी, हमारा समाज उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं और किसी भी मायने में वो पीछे नहीं है। अगर आपने कल का अखबार उठा करके पढ़ा हो, किसी ने कोई मुझे बताना चाहे कि स्त्री सशक्तिकरण के बारे में कल एक न्यूज़ आई थी, कुछ ऐसा हुआ इवेंट, कोई बताना चाहेगा क्या हुआ है? कल का अगर अखबार आप में से किसी ने पढ़ा हो है कि जो फीमेल ऑफिसर्स या स्टाफ हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, पहले उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो सेवाएं दे सकती थी, यानी कि लगभग 10 से 14 साल। अब उनको परमानेंट कमीशन भी दिया जाएगा, और जो लड़ाई फ्रंट पे जाने के लिए जो उनको पहले अलाउड नहीं था तो वो भी अलाउड किया जाएगा, यानी कि वो कोई इस प्रकार का कोई भी तथ्य जो है उसको मान्य नहीं होगा कि भाई स्त्रियाँ किसी भी मामले में शारीरिक बल और क्षमता में भी कम है। तो ये स्त्री सशक्तिकरण के बारे में सबसे बड़ी न्यूज़ कल की थी। और जैसे जैसे आपको खुद स्वयं स्वरोजगार जो है, यानी खुद अपनी आय का स्रोत बनाना, जनरेट करना, इतना कैपेबल और आपकी ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना कि आप खुद कोई ना कोई काम शुरू करके अपने लिए पैसा कमा सकते हो, अपने परिवार के लिए पैसा कमा सकते हो, आप किसी पर डिपेंड जो है नहीं हो सकते और अपने परिवार में आप अपना योगदान दे सकते हो, उनमें से एक ऐसा ही काम इस सद्भावना मंच ने आपको इस ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू किया है। अब आप अपने लिए खुद कमा सकते हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि स्त्रियों के लिए और भी यहाँ पर ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे बता रहे थे पापड़ बनाना, अचार बनाना, इस प्रकार की और जो चीज़ें हैं ऐसी ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आर्यव्रत सद्भावना मंच द्वारा। और जो किसानों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे उनके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और इनको जो है शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि ये अपने जो समाज के लिए योगदान कर रहे हैं उसमें इसी तरीके से आगे बढ़े। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।